और जब हम लोगों को अपनी रहमत का मजा चखाती हैं तो वो उससे खुश हो जाती हैं, और अगर उनके आमाल के सबब जो उनके हाथों ने आगे भेजे हैं उन्हें कोई तकलीफ पहुंचे तो नाउम्मीद होकर रह जाती हैं। क्या इन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह ही जिसके लिए चाहता है रिस्क फराख करता है और जिसके लिए चाहता है तंग करता है। बेशक इसमें ईमान लाने वालों के लिए निशानियां हैं, तो अहले कराबत और मोहताजों और मुसाफिरों को उनका हक देते रहो। जो लोग अल्लाह की रजा के तालिब हैं ये उनके हक में बेहतर है, और यही लोग कामयाबी हासिल करने वाले हैं। और जो सूद तुम देते हो कि वो लोगों के माल में बढ़े तो अल्लाह के नजदीक तो वो बढ़ता भी नहीं, और जो तुम ज़कात देते हो अल्लाह की रजामंदी तलब करते हुए तो वो मूजिब बरकत है, और ऐसे ही लोग अपने माल को कई गुना करने वाले हैं।